मम्मी को खाने का बहुत शौक है ना मम्मी। हाँ भाई, हमारे हाथ का थोड़ा ना पसंद में आएगा, हम भी बनाते हैं। मम्मी आपका वेट करिए, आप चख के बताओ। मूवी देखने जाते थे, मिलते थे ICH में, वो टाइम तो चला गया। तो आज मान लीजिए मुझे बहुत सालों बाद लेके जा रहे। गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। आज है मेरा डे टू स्कूल जाने का और सुबह के बज रहे 6:30। तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं था क्या बनाऊं, तो आज भी मैं फटाफट से मैंने बनाए हैं पनीर के पराठे। लेकिन फ्रेंड्स, बरसात का मौसम आ गया है, रात को बहुत बारिश गिरी तो मुझे सुबह सुबह बहुत नींद आ रही थी, तो आज मैं हो गई हूँ लेट। और मालवीय जी भी आ गए क्योंकि सुबह 6 बजे कचरे वाली गाड़ी आती है। मालवीय जी ही बाहर फेंकते हैं और वो मुझे दिखा रहे हैं कि देख बाहर कितना पानी भरा हुआ है, तो कैसे जाएगी, तेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है और ठंड में मैं कैसे उठूंगी ये मुझे भी नहीं पता है। तो मालवीय जी ने कहा चल आज मैं छोड़ देता हूँ, अभी मम्मी यहीं पे है। तो मम्मी को बोल दिया है कि बच्चे सो रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, मालवीय जी मुझे छोड़कर आ रहे हैं। तो फटाफट से बहुत महीनों बाद हम दोनों बाइक पे गए, बड़ा मजा आता है। एक टाइम था जब बाइक पे घूमते थे, मूवी देखने जाते थे, मिलते थे ICH में, वो टाइम तो चला गया। तो आज मान लीजिए मुझे बहुत सालों बाद लेके जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत बाप रे कितना गंदा लग रहा हूँ मैं यार। वैसे लुक का कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों, मेरे सब मोह माया खत्म हो गए ऐसा लगता है यहाँ आने के बाद। बहुत सारी टेंशन है यार, बहुत सारे काम पेंडिंग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका ध्यान रखूं कि उसका ध्यान रखूं। तो बच्चे उठे, 2-3 बार उठे मगर उनको वापस सुला दी। तो 9 बज रहे हैं अभी तो फिलहाल, 1.5 घंटे रचना को आने में, बच्चों को एंटरटेन करते हैं इसलिए गाना बजा दिया था राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे। तो दोस्तों ये जो समय चल रहा है ना, जैसे रचना सुबह उठ के 7 बजे जाती थी, पहले जाती थी जब 2018 में रचना ऐसे सुबह 7 बजे उठ के जाती थी और मैं सुबह उठ के चाय वगैरह बनाता था, इवन मैं लंच भी बनाता था और उसको टिफिन देने जाता था जब मैं ऑफिस जाता था। मेरे ऑफिस के पास में उसका ऑफिस था तो मैं ही लंच बनाता था, रोटी या सब्जी जो भी, तो सुबह उसको नाश्ता बना के देता था। प्रेगनेंसी जब हमको जनवरी में पता चली थी 2019 की, तब तो और ज़्यादा अच्छे से लंच वगैरह बनाते थे। चलो यार हो गई वो बातें, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई झाड़ू लगा रहे थे, मम्मी आए उससे पहले हमने सोचा झाड़ू ये खेलने लगी है, क्या हुआ कि हमने सोचा कि इसको इधर रख लेके देखते हैं, बच्चे यहाँ दिन में सो भी जाया करेंगे, फैन है। थोड़ी गर्मी कम हुई है मगर उमस बहुत ज़्यादा हो गई यार, पानी एक दिन गिरता 2 दिन गर्मी होती है। तो अभी यहाँ रख रहे हैं। बेड हमारा कहाँ गया है वो हम आपको बताएंगे, बेड जो हमारे पास बेड था वो चला गया कहीं। ये आपके कलर मिल गए आपको, वेरी गुड, चलो खेलो खेलो खेलो। जाती हूँ 10:30 से 10:45 के बीच में और आज माता जी ने झाड़ू लगा दिए थे तो मैंने आके सिर्फ फटाफट से गीत का टिफिन बनाया, गीत को नहलाया, तैयार किया, गीत को स्कूल भेजा, बच्चों को नहलाया, पोछा लगाया एंड ऑल, और रोटी भी गीत के टिफिन के साथ बनानी थी। तो माता जी की आज फरमाइश है उनकी फेवरेट सब्जी मम्मी के हाथों बनाने की, तो देखते हैं मम्मी बनाएगी या नहीं। और इसे काटना नहीं है, कट नहीं करना, अच्छा ठीक है कुकर दे देती हूँ। ये रख दिया कुकर, वो रहा तेल, उठाओ ये, हाँ धीरे से कांच का है, कितना डालना बताओ, मैं डालती हूँ। देखो मम्मी कितना डालना, हाँ भी डाल, देखो ना मम्मी देखो भी डाल दे, थोड़ा सा और डाल, देख लो बैगन इतने ही है, मैंने 2-4 लिए गीत के लिए। क्या क्या चाहिए, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और सब मिक्स करके दे रही हूँ, दे रही हूँ। पानी मिला इसमें, मिक्स करना है इसमें, घी जरूरी था तो क्या डालना है मम्मी सबसे पहले, जी पूरा डाल दो, प्याज, मिर्ची का पेस्ट, मैंने तो चॉपर,
जब तक ये पक रहा है मेरी मम्मी को बोला आप जाके पंखे में बैठ जाओ, मैं देख लूँगी। जाओ मम्मी। ये हल्का ब्राउन हो गया है जिसे होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 15 मिनट से ज़्यादा हो गए। मम्मी देखो अब क्या करना है, ये मसाला डालना है। लाल सफिशेंट है, नहीं कम ज़्यादा लगे मेरे। हल्दी में, टमाटर भी डालना है, पानी, और इसको पकाना है ना मम्मी। जब तक ये मसाला तेल छोड़ रहा है तब तक बैगन में करने हैं। मैं कर देती पर रीत जग रही है, मेरे गोद में आ गई। मम्मी के हाथ के बनने हैं तो मम्मी से ही करवाते हैं। चलो आज मम्मी को खाने का बहुत शौक है ना मम्मी, लजीज तीखा एकदम चटपटा खाना। तो जैसा वो जैसा खाई रही थी नीमच। अच्छा तो नीमच में चटपटा नहीं मिल रहा था, वो क्या खाते थे इस उम्र में चटपटा? अच्छा हम हमसे ज़्यादा खाते हैं चटपटा, हम कम खाते हैं। और मीठा है ना मम्मी, मीठा रबड़ी चाहिए खा रही हूँ, मीठी भी। तो भाई तेल छूट गया, अब क्या करना मम्मी? ये डालना मसाला थोड़ा सा लोग बता दीजिए। अच्छा मम्मी के अकॉर्डिंग मसाला कम रह गया है, मैंने बनाया ना मसाला कम, थोड़ा सा हो गया ना, अच्छे जाते हैं सब। लाओ मैं हिलाऊँ, पानी डालना है? नहीं डालना पानी, ऐसे ही पकेगा। मैं तो पानी डाल देती हूँ हल्का सा, नहीं डालना पानी। अब इसको बंद कर दूँ? बंद कर दूँ। कितनी सीटी? सीटी एक। एक ठीक है। उसको कहते हैं अपना पसंदीदा काम करते रहना चाहिए। मम्मी का पसंदीदा काम तो खाना बनाना है, लेकिन फिर भी डर लगता है गैस के पास, इसलिए हम नहीं करने देते हैं। कभी कभार मम्मी शौक से करती है। तो भाई आपकी फरमाइश है बन चुके हैं बैगन तेल। ऐसे ही बनती है फ्रेंड्स बैगन की सब्जी, तेल मसाला खूब ज़्यादा होता है। नहीं ये मम्मी के हाथों का ही मुझे स्पेशली पसंद है, जो हमने रिक्वेस्ट करी मम्मी से, मम्मी ने बनाई होगी। मम्मी ने किसने बनाई? मम्मी ने ही बनाई है। इट तो बेस्ट ही होगी। हाँ भाई हमारे हाथ का थोड़ा ना पसंद में आएगा, हम भी बनाते हैं। लहसुन लाया तो नहीं डाली? अच्छा न्यू लहसुन कहाँ रखी है? रखी लाए हो? लहसुन है, आलू है, प्याज उसी में, लहसुन भी है, अदरक भी है। अदरक लहसुन सब मिल, वो मिल गए लहसुन। अच्छा चलो मम्मी फिर बना देना, टेस्ट करके बताओ कैसी बनी। मम्मी वही बैठी है, मम्मी नीचे ही बैठ के खाना खाती है। मम्मी आपका वेट करिए, आप चख के बताओ। अरे यूजुअल अच्छी बनी है, आग लगा दी, आग लगा। चलो मम्मी अब आपका क्या करते हैं? तो अच्छी तो बनी है, लहसुन डाल दी तो सब कुछ ठंडी हो जाती है। नहीं अच्छी लग रही है, हाव लग रही है, हाव हाव लागी समझे। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, मम्मी के हाथ की भरता भरमा, नहीं क्या बोलते भर, हाँ भरमा भरवा भटे भरवा भवे भरमा भरमा पता नहीं यार। और भी अलग अलग तरीके से बनाती है मम्मी, ये एक तरीका था, और भी अलग कुछ कुछ बैगन के अंदर भी मसाला भर के बनाती है। खा के देखिए बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स मालवीय जी तो ऑफिस चले गए, 3:30 बज रहे हैं, गीत आने वाली है, और मेरी टी शर्ट बच्चों को खाना खिलाते टाइम ख़राब हो गई तो मुझे ड्रेस चेंज करनी पड़ी। फिर मैंने सोचा अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ जॉब तो मुझे टाइम की थोड़ी कमी रहने वाली है, और हमारा घर पूरी तरीके से नहीं जम पाया क्योंकि रिदम टूट गई थी, 90% जमा था पर फिर कम हो गया। तो सबसे पहले मैं ये अलमारी फिर से जमा रही हूँ, क्योंकि कपड़े ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा अस्त व्यस्त होते हैं, तो जो भी पेंडिंग काम है वो मैं कर लेती हूँ। अदरवाइज वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पर्सन नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली तो फिर मैं और नहीं कर पाऊंगी। और मेरे काम के बीच में मेरे बच्चे ना आए ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो मेरे चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं सब चीजें फेंकने के लिए। ये अलमारी बहुत इजीली इनसे खुल जाती है, ये फटाफट से अलमारी खोलते हैं और कपड़े गिराना शुरू कर देते हैं। कपड़े ही नहीं जो भी सामान होता है वो ये गिराना शुरू कर देते हैं।
तो दोस्तों अब हो गई है शाम और हम कुछ हफ्तों पहले डीमार्ट गए थे तो गीत के लिए ये टॉय लेकर आए थे, पर तब हमने गीत को नहीं दिया था। हमने कहा था कि आप अच्छे से स्कूल जाओगे, मम्मा पापा की बात मानोगे तो उसके बाद हम देंगे। तो अभी रेगुलरली गीत स्कूल जा रही है, तो आज वो मौका आ गया है कि इस टॉय को खोला जाए। तो गीत बहुत खुश होती है जब भी उसे टॉय मिलता है, हालांकि कुछ दिन का ही शौक होता है, थोड़े दिन खेलते हैं फिर ये टॉय इधर उधर हो जाते हैं। दीदी अरे 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 मस्ती चल रही है दीदी की, भागो 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 भागो। मीन दीदी यार मैं को पापा चल। तो ये देखो पसीने से नहा रही है, किचन से होकर आई है। ये क्या है, दिन में दो बार किचन साफ नहीं हो पाता है, रात में ही मैं पूरा क्लीन करके ही करती हूँ। और अब क्योंकि मैं जा रही हूँ करीब 1-2-3 घंटे, भले ही 3 घंटे के लिए जा रही हूँ पढ़ाने, बट वहाँ पे ईमानदारी से पढ़ाती हूँ, खड़ी ही रहती हूँ, बैठने का नहीं, क्योंकि मैथ्स हमें कंटिन्यूसली सॉल्व ही करना पड़ता है। तो थकान हो रही है, नींद पूरी नहीं हो पा रही शायद, इसलिए मैं आपको मिल भी नहीं पा रही हूँ, मेरे चेहरे पे वो थकान दिख रही होगी आपको, बट मुझे करना है, मेहनत का असर दिख रहा है, चेहरा पतला लग रहा है। ऐसा नहीं है, मुझे करना है, मैं चाहती हूँ मुझे और अपॉर्चुनिटी मिले। पहले मैंने बच्चों को आज भी, मतलब मेरे बच्चे जो पढ़ाए हुए बच्चे वो ग्रेजुएट हो चुके हैं और वो मुझे मैसेज करते हैं गुरु पूर्णिमा पे, रिजल्ट पे, और थैंक यू कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ और भी बच्चे मिले जिनकी लाइफ में मैं कुछ चेंज ला पाऊँ। हाँ ये सच है कि बच्चे ये मैसेज करते हैं, अगर दीदी या मैम आप मुझे उस पॉइंट पे नहीं मिले होते तो आज मैं ये नहीं कर पाई होती या कर पाया होता, ये मेरे लिए बड़ी बात होती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे मिले और मैं एक अच्छी गुरु बन पाऊँ, क्योंकि मुझे लाइफ में एक अच्छा गुरु नहीं मिला, बीच बीच में मिले लेकिन वो छोड़ के चले। उम्मीद रचना का आपको ऑफिस जाना अच्छा लग रहा होगा, मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल मिलेगा जरूर, और मैं तो कहूँगा आप लोग को लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जहाँ तक कि यूट्यूब के एल्गोरिथम में हम लोग आएँ, थोड़े व्यूज़ बढ़ने लगें, हमारी मेहनत को यूट्यूब भी देखे, यूट्यूब को पता नहीं क्या समझ में आ रहा है। रचना तो कभी कभी मुझसे कहती है हो सकता है अपन अच्छे नहीं दिखते हैं इसलिए, मगर मैं तो रचना को कहता हूँ कि यार ऐसा नहीं है, मेहनत देखते हैं लोग बाग, पर यूट्यूब को हो भी सकता है अच्छे दिखते हो, जैसे कि अब अरमान मलिक की फैमिली है, चंद्रिका दीक्षित है, अब अच्छे नहीं दिखते तो कोई पूछता क्या, सच तो यही है वो, ये तो फैक्ट है इंडिया का, क्या वो बूढ़े बल्ड का फैक्ट है, अच्छा दिखने वालों को सभी देखते हैं, ओबियस है देखना ही चाहिए। तो बाय जय माता दी।